सर, आज आपको मैं सिखाता हूँ फीफो मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, लीफो कैसे सॉल्व किया जाता है और वेटेज एवरेज मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, फीफो, लीफो और वेटेज एवरेज। सर फीफो मेथड क्या होता है? जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो कुछ गुड्स खरीदता है, उसको बेचता है। जो गुड्स हम खरीदते हैं उसको किस तरीके से बेचा जाए, पहला कौन सा गुड्स सेल किया जाए, तो हमारे पास जो स्टॉक होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो उसको मूवमेंट कैसा करेंगे, उसको सेल कैसे करेंगे। सर फीफो मेथड क्या होगा? फीफो मेथड में क्या होता है, फीफो मेथड का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अगर मैंने कुछ सामान खरीदा है, गैस, गेहूं, चावल खरीदा है, तो उसको जब मैं जो बेचूंगा, जो पहले लॉट खरीदा उसी को बेचूंगा, जो लेटेस्ट खरीदा उसको नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो पहला वाला को नहीं बेचूंगा वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मेजोरिटी केस में सब लोग फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं। फीफो मतलब जो पहला आएगा पहले जाएगा। आप देखो आपका रियलिटी लाइफ में फीफो मेथड फॉलो किया जाता है, किधर फॉलो किया जाता है, आप बैंक में चले जाओ, याद करो नोटबंदी के टाइम पे, जब नोटबंदी हुआ था दो दो तीन तीन किलोमीटर तक लोग लाइन लगाए थे, तो बताओ किसका नोट रिप्लेस किए थे पहले, जो एकदम रात रात बना के नोट लाइन लगाया था उसको पहले नोट रिप्लेस किए रहेंगे, बहुत लंबा लाइन लगा, तो जो सबसे पहला खड़ा रहेगा उसी का नोट रिप्लेस किया जाएगा ना, नोट डिपॉजिट करने के लिए आए थे सब लोग। बैंक में होता है, आप याद करो अगर रेलवे का लाइन लगाए रहेंगे टिकट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग लाइन लगाते रहते हैं, कम से कम 40 लोग खड़े हैं लाइन में, तो बताओ जब काउंटर खुलेगा टिकट किसको मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा। यही है फीफो मेथड। फीफो मेथड जो पहले आता है उसी को पहले मिलता है। अपने रियलिटी लाइफ में सबका फीफो मेथड ही होता है। बिजनेसमैन भी जब गुड सोल्ड करता है तो फीफो मेथड फॉलो करता है, जो पहला आएगा पहले जाएगा, क्योंकि अगर वो पहला वाला स्टॉक अगर नहीं बेचेंगे तो सर खराब हो जाएगा। हर एक गुड्स का एक एक्सपायरी डेट होता है, इतना टाइम तक ही चलेगा, और बिजनेसमैन बहुत सारा बना के रखते हैं। हम कुछ ऐसा चीज बेच रहे हैं जो गैस पेरिशेबल टाइप का, हाँ खराब हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन रीड का अगर ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक नील है, फर्स्ट टाइम को परचेस किया 100 यूनिट्स परचेस किया, हमने 100 पीस खरीदा, एक एक पीस 30 रुपए का, एट द रेट 30 पर यूनिट। व्हाट इज पर यूनिट? पर यूनिट का मतलब था एक पीस का हुआ। अपन दुकान में जाते हैं ना तो पूछते हैं एक रजिस्टर्ड कितने का है, अपन ये नहीं बोलते ना दुकान कितने का है, तो एक पूछते हैं एक कितने का है। तो परचेस किया 100 यूनिट्स 30 पर यूनिट से परचेस किया बिजनेसमैन ने। फिर क्या होता है, बिजनेस चालू किया तो कुछ सेल हुआ, तो 15 तारीख को कुछ 50 यूनिट इश्यू किया, इश्यू मतलब सेल कर दिया। फर्स्ट फैब को फिर से परचेस किया 200 यूनिट 40 का भाव से परचेस किया। 15 फैब को फिर से 100 यूनिट इश्यू किया। 20th फैब को 100 यूनिट फिर से इश्यू किया। फर्स्ट मार्च को 150 यूनिट परचेस किया तो भाव बढ़ गया था 50 रुपए पर यूनिट। 15 मार्च को फिर से इश्यू किया। तीन तरीके सॉल्व करना है, फीफो, लीफो, वेटेज। तो शुरू करते हैं। जब भी कभी आप फीफो लीफो मेथड से करेंगे तो जरा लेजर मैं बना के रखा हूं, कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। हेडिंग लिखना है आपको स्टोर लेजर, क्या लिखना है स्टोर लेजर, ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऑन फीफो बेसिस। कॉलम क्या क्या बनाओगे, एक कॉलम बना देना डेट कॉलम, तीन मेन कॉलम होंगे, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट मतलब खरीदा तो रिसिप्ट, इशू मतलब हमने दूसरे को इशू कर दिया तो इशू, रिसिप्ट का इशू माइनस करेंगे जो बचेगा उसको बोलेंगे बैलेंस। रिसिप्ट आया, इशू मतलब गया और जो बचेगा बैलेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट जैन 2018 को, डेट लिखे मेरे साथ आपके सॉल्व करें। 1/1/2018 को ओपनिंग स्टॉक नील है, ओपनिंग स्टॉक नील है तो नहीं लिखेंगे, अगर होगा ओपनिंग स्टॉक तो यही लिख देना डायरेक्टली बैलेंस। अब बात करते हैं परचेस किया आपने तो कितना परचेस किया, 100 यूनिट्स परचेस किया 30 के भाव से, तो यहाँ लिखेंगे 100 यूनिट्स परचेस किया 30 के भाव से परचेस किया, तो 100 × 30 करेंगे आंसर आएगा 3000। फर्स्ट जैन 2018 को आपने कुछ भी इश्यू नहीं किया तो इश्यू कॉलम में डैश 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 कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 100 यूनिट्स। आज हमारे पास कितना बचा है, 100 यूनिट्स 30 के भाव से 3000।
जैसे ही एक हो जाएगा आप एक लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे ही हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो अभी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं ताकि वो दिखाने के लिए कि वो हो गया उस दिन का हो गया, जैसे ही हो गया एक लाइन ड्रॉ कर। चलो अगला डेट फर्स्ट फेब हो गया, अगला डेट है 15 जैन को इश्यू किया 50। अभी देखो मेरे गोडाउन में 100 पीस है, उसमें से मैंने 50 इश्यू किया है, 15 जैन को इश्यू किया, 50 यूनिट इश्यू किया, तो 50 यूनिट इश्यू किया तो यहाँ लिख देंगे 50। रेट क्या है 30 रुपया, तो 30 का भाव से 5 × 3 = 15, 1500। 100 में से 50 हमने बेच दिया तो बचा कितना 50, रेट लेंगे 30, तो 5 × 3 = 15, 1500। जैसे ही हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, आप भी लाइन ड्रॉ करें। ओके नेक्स्ट पढ़े, परचेस हो गया 15 तारीख हो गया, फर्स्ट फैब को फिर से आपने परचेस किया 200 यूनिट, तो परचेस को 25 कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट फैब को फिर से आपने परचेस किया, कितना यूनिट परचेस किया 200 यूनिट परचेस किया, क्या रेट से परचेस किया 40, तो 4 × 2 = 8 आंसर आएगा 8000 को परचेस किया, इश्यू नहीं हुआ तो डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, जो पैसे में चीज खरीदे हो कितना बचा है, तो 50 ये ओरिजिनल वाला 50 30 रुपए का भाव से 1500, और अभी खरीदे थे लेटेस्ट और 200 पीस खरीदे कितने का 40 का भाव से 8000। जैसे ही होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, हो गया उस दिन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, परचेस हो गया 15 फैब को आपने इशू किया, 15 फैब को आपने इशू किया, तो लिखेंगे अगला डेट 15 फैब 2018, आपने इशू किया कितना इशू किया 100 पीस इशू किया डैश डैश डैश। अब जरा दिमाग चलाओ, किसी ने 100 पीस मांगा है, अब 100 पीस मांगा है तो हम कोशिश करेंगे पहले वो बचा हुआ बेचने का, बचा हुआ हाँ, तो 100 पीस कैसे देंगे। गैस मैंने आपको बताया ना पेरिशेबल चीज, जैसे हम लोग बटर बेच रहे तो 50 पीस 30 रुपए का भाव से देंगे हम लोग इशू करेंगे, और वो कितना मांग रहा है 100 मांग रहा है, तो 100 50 इसमें से निकालेंगे 50, लेकिन उसका रेट क्या है 40, तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अब बताओ ये 50 इशू कर दिया, ये 200 में से 50 इशू कर दिया, तो बचा कितने इस 200 में से, उस 200 में से बचा 150, क्या भाव से 40, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग, तो 150 × 40 तो हमारा बैलेंस बचेगा 6000। जैसे ही हो गया आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फैब को आपने फिर से इश्यू किया 100 पीस, तो आज हम 20 फैब 2018 को फिर से इश्यू किया, तो इशू कॉलम में कितना मांग रहा है सामने वाला 100 100, हम दे सकते हैं ना 150 है हमारे पास, तो 100 100 का भाव क्या लेंगे 40, तो 4000। अब बताओ 150 में से 100 दे दिया किसी को, इश्यू हो गया, निकल गया दुकान से, तो अपना दुकान में कितना बचा है 50 50, का भाव क्या है 40, तो 5 × 4 = 20 आंसर 2000, ठीक है। जैसे ही होगा लाइन ड्रॉ करें, एक होगा लाइन ड्रॉ करें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इश्यू हो गया, अगला क्या है 1 मार्च को फिर से परचेस किया 150 पीस परचेस किया 1 मार्च को, तो 1 मार्च 2018 को फिर से परचेस किया, कितना पीस परचेस किया 150 पीस परचेस किया, क्या रेट से 50 का भाव से, तो 50 × 75 = 75, 150 × 50 = 7500, ठीक है ना, 150 × 50 = 7500। कोई इश्यू नहीं हुआ तो कोई पूछेगा कि बैलेंस कितना बचा है, तो याद करो वो जूनियर स्टॉक पहले का 50 40 का भाव से 2000, और ये अभी अभी खरीदा हमने 150, तो 150 पीस खरीदा 50 का भाव से कितने का 7500। जैसे हो गया एक लाइन ड्रॉ करें, कितना बार बोला सर ने आपको, ओके मस्त दिखता है, आगे बढ़ते हैं, परचेस हो गया 15 मार्च को इशू किया आपने, तो 15 मार्च 2018 को आपने इशू किया, तो यार डैश डैश डैश, अब कितना इशू किया आपने 100 पीस इशू किया, अच्छा बताओ 100 कैसे देंगे, मैं हमने बोला ना फीफो मेथड में
लेटेस्ट वाला खत्म करने का, लेटेस्ट वाला पहले तो यही आया था तो पहले वो खत्म करने का फीफो, जो पहला आएगा वो पहले जाएगा, पहला यही आया था तो 50, जो पहला आया था वो पहले जाएगा तो 50 क्या भाव से इश्यू करेंगे 40, और एक्चुअली सामने कितना मांग रहा है 100 मांग रहा है तो 50 इसमें से देंगे ये वाला स्टॉक में से, तो उसका रेट है 50, तो 5 4 20 2000 और 5 5 25 2500। अब क्वेश्चन है बैलेंस कितना बचा, 150 इशू हो गया, ये 150 में से 50 इशू कर दिए तो बचा कितना 100 पीस बचा, 100 का भाव क्या है 50, तो 150 5000 हो गया सर, यही आंसर है। ठीक है, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो ऐसे आपको फीफो मेथड समझा, फीफो मेथड में क्या करने का, जो पहला आता है पहले बेचने का, फीफो मेथड में जो पहला आएगा पहले बेचने का, कैश ऑन पेरिशेबल गुड्स है तो पेरिशेबल गुड्स का हम इसी तरीके से करते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो जो पहला आएगा वो पहला बेचेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे लीफो मेथड। लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लेटेस्ट आएगा ना उसको पहले बेचने का। सर ये किधर होता है ऐसा, सोचो पेरिशेबल चीज नहीं है, खराब नहीं होता है, गैस मैं रजिस्टर्ड बेच रहा हूं, नोटबुक बेच रहा हूं, तो बताओ नोटबुक थोड़ी ना खराब होएगा, कभी कभी नोटबुक बेचो खराब नहीं होगा, वैसी का वैसी रहेगा, तो लीफो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। तो जरा जानते ना लीफो मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, गैस मैं रजिस्टर्ड बेच रहा हूं, मेरी दुकान है, मैं रजिस्टर्ड बेच रहा हूं, 30-40 रुपए का बुक बेचता हूं, तो जरा ध्यान देना ओपनिंग स्टॉक सेम, वही सेम क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक नहीं है परचेज, तो ध्यान देना सेम लेजर बना देना, स्टोर लेजर लिखना होगा, लिफो बेसिस कॉलम डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस, उसके अंदर भी तीन तीन कॉलम, क्वांटिटी रेट रूपीज, क्वांटिटी रेट रूपीज, क्वांटिटी रेट रूपीज। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं लिफो मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो लेटेस्ट आएगा वही पहले जाएगा। तो फर्स्ट जैन 2018 को कितना परचेस किए थे, 100 पीस परचेस किए थे, 30 रुपए का भाव से परचेस किए थे, आंसर 3000, इशू नहीं हुआ तो डैश डैश डैश, व्हाट इज द बैलेंस, तो लिखेंगे 100, 30 रुपए का भाव से 3000, जैसी एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक हो गया एक लाइन ड्रॉ कर देना, ओके परचेस हो गया। 15 जैन को फिर से, 15 जैन को आपने इशू किया, कितना इशू किया 50 यूनिट इशू किया, अब ऑफकोर्स मेरे पास 100 रजिस्टर्ड है इसी में से इशू करूंगा, तो 15 जैन 2018 को इशू किया डैश डैश डैश, यहां पे लिखेंगे 50 यूनिट इशू किया, क्या भाव से इशू करेंगे 30 रुपीज का भाव से, तो 5 3 15 1500, 100 रजिस्टर्ड था मेरे पास उसमें से 150 बेच दिया तो बचा कितना 50, 30 रुपए का भाव से, 30 रुपए का, तो 5 3 15 1500, जैसे ही होगा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके सर, अगला पढ़ते हैं, फर्स्ट जैन का हो गया, 15 जैन का हो गया, फर्स्ट फैब को आपने 200 रजिस्टर्ड परचेस किया 40 रुपए का भाव से, तो यहां लिखे फर्स्ट फैब 2018 को कितना रजिस्टर्ड परचेस किया, 200 रजिस्टर्ड परचेस किया 40 रुपीज का भाव से, तो 4 2 8 आंसर 8000, कोई इशू नहीं हुआ, तो बैलेंस बचेगा। अब कोई पूछेगा तेरे पास कितना रजिस्टर्ड है, तो मैं बोलूंगा 50 रजिस्टर्ड पहले का 30 रुपए का भाव से, तो 5 3 15 1500, और अभी लेटेस्ट खरीदा गरम गरम 200 40 का भाव से, आंसर 8000, क्लियर, जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां तक तो समझा होगा आपको सर, जरूर थैंक यू। आगे बढ़ते तो फर्स्ट फैब का हो गया, 15 फैब को आपने फिर से इशू किया, सेकेंड टाइम इशू किया 15 फैब को, तो 15 फैब को इशू किया, अब आएगा इधर ही मजा, यहीं से क्रक्स है, 15 फैब को आप इशू किए थे, कितना इशू किया 100 पीस, आप जरा ध्यान देना 100 पीस इशू करोगे, अभी कोई 100 मांग में आए तो उसमें रजिस्टर में क्या चुना क्या नहीं, सब एक ही जैसा होता है, खराब थोड़ी ना होता है, तो लीफो मेथड में क्या होगा, लेटेस्ट खत्म करेंगे, लेटेस्ट मतलब यहां नीचे से खत्म करते हैं, नीचे से पहले लेटेस्ट वाला खत्म करेंगे, तो पहला हम बेचेंगे ये वाला लॉट बेचेंगे, याद रखना ये वाला लॉट पहले बेचेंगे हम, ठीक है, तो पहला हम लोग बेचेंगे इस लॉट में से, तो 200 में से 200 में से 200 अब सामने वाला कितना मांग रहा है 100 दे सकता है ना 200 में से,
तो 200 में से 100 दे देंगे, 100 का भाव लेंगे 40। समझ गए कहां से आया? मैं क्लाइंट दिखा देता हूं ये किधर से है, ये जो खत्म किया ना हमने इसमें से खत्म किया, ठीक है, एक लिंक दिखा देता हूं इसमें से खत्म किया, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम मत बनाता, ये बस दिखाने के लिए आपको कि इसमें से मैंने खत्म, क्योंकि लीफो मेथड है ना, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में आएगा उसी में से खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 100 × 40 आंसर 4000। अब अपने पास कितना रजिस्टर्ड बचा है, 50 रजिस्टर्ड, 30 रुपए का भाव से 1500, और 200 में से 100 तो चले गया, अब कितना रजिस्टर्ड बचा, 100, क्या भाव से 40, आंसर 4000। जैसे ही हो गया, जैसे ही हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दे। नेक्स्ट, अगला 15 फेब हो गया सर, अगला है 20 फेब को फिर से इश्यू किया आपने, तो आज 20 फेब 2018 को फिर से इश्यू किया। अब बताओ अपने पास कितना मांग रहे, सामना लो 100, फिर से इसी में से देंगे, बोला ना सर ने लेटेस्ट लास्ट में जो आएगा उसी में से इश्यू कर देगा, तो 100 में से दे रहे हम लोग, तो ये 100 पूरा दे दिया, 100 क्या भाव से, फिर से लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए दिखाने के लिए, इसमें से खत्म किया सर ने, हाँ इसमें से खत्म किया, तो 100 में से 100 दे दिया, क्या भाव से 40, आंसर 4000। अब बताओ अपने पास बैलेंस कितना बचा है, 50, 30 का भाव से आंसर 1500, और ये खत्म हो गया ना अभी सर, तो अभी बैलेंस कितने बचा, एक लाइन ड्रॉ कर दे, हो गया। तो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 20 फेब का, 1 मार्च को आपने फिर से परचेस किया 150 यूनिट्स, तो 1 मार्च 2018 को आपने परचेस किया, कितना रजिस्टर परचेस किया 150, तो 150 क्या भाव से 50, तो 50 × 75 = 7500। अब कितना बचा सर अपने पास बैलेंस, तो पहले का रजिस्टर 50, 30 रुपए का भाव से 1500, और अभी खरीदा था लेटेस्ट 150, रजिस्टर परचेस किया 50 का भाव से 7500। मैंने बोला ना जैसे ही हो गया लाइन ड्रॉ कर देना, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट का कलेक्शन 15 मार्च को आपने इशू किया 100 रजिस्टर्ड, अब बताओ वही बोल रहा हूं फिर से, आप जब इशू करेंगे, जब भी कभी इशू करेंगे आप लेटेस्ट वाला इशू करेंगे, तो 15 मार्च 2018 को आपने 100 रजिस्टर्ड इशू किया, 100 ऑफकोर्स 100 हम लोग इसी में से देंगे, लेटेस्ट वाला में से देंगे, हाँ लेटेस्ट वाला में से देंगे, तो 150 में से 100 चले गया, क्या भाव से, इसका भाव क्या है 50 रुपया, तो 100 × 50 5000, और व्हाट इज द बैलेंस हमारे पास कितना बचा है, बैलेंस बचा है 50 रजिस्टर्ड 30 रुपए का भाव से 1500, और 150 में से 100 इशू कर दिया तो बचा 50 50 का भाव से 5000 25। अगर आपसे कोई पूछता है कि लीफो मेथड में व्हाट इज द क्लोथिंग स्टॉक, लीफो मेथड में क्लोथिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो दोनों को आप प्लस करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, तो दोनों प्लस करोगे तो आंसर आता है 1500 + 2500, आंसर आएगा 4000। मैं इधर आंसर लिख के रखा हूं आपके लिए, आंसर आएगा 4000। तो फीफो मेथड में हमने सॉल्व किया तो आंसर आएगा 5000, लीफो मेथड में सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4000, ठीक है। ऐसे में अच्छे समझा लीफो मेथड कैसा करना है, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, लीफो मेथड। अभी तीसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं, उसका नाम है वेटेज एवरेज बेसिस, हाँ वेटेज एवरेज बेसिस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन, फीफो में सॉल्व किया तो आंसर आया था 5000, लीफो में सॉल्व किया तो आंसर आया था 4000। अगर इसी क्वेश्चन को वेटेज मेथड सॉल्व करोगे तो आंसर कैसा निकालना है, आंसर आएगा 4700, ट्राई करता हूं मैं, ठीक है, आप भी ट्राई करें, सिखाता हूं कैसे करना है। लेकिन इतना देना, फीफो में जो पहला आया था पहले जाएगा, लीफो में जो लेटेस्ट आएगा वो पहले जाएगा, एवरेज में सब मिक्स होता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो 1 फेब 2018 को परचेस किया था, 100 पीस परचेस किया, कितने से 30 का भाव से, तो 100 × 30 आंसर 3000, कोई इश्यू नहीं हुआ, तो बैलेंस बचेगा 100 × 30 3000, बोलो समझा फर्स्ट, ओके, तो एक लाइन ड्रॉ करते हो गया, तो एक हो गया, तो एक लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। नेक्स्ट, अगला इश्यू
15 जैन को इशू किया, 50 यूनिट इशू किया, 15 जैन 2018 को इशू किया, डैश 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 50 यूनिट इशू किया हमने, 50 यूनिट। अफकोर्स एक और से लेंगे 30 का वहां से, तो 5 3 15 1500, तो व्हाट इज द बैलेंस 100 में से। अच्छा वेटेज में बता रहा टेक्निक क्या है, वेटेज सॉल्व करना अगर आपको अच्छे से है तो मैं टेक्निक सिखा दूं कैसे करना है। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर देगा, तो 100 माइनस 50 आंसर 15। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करें और रुपीज में से रुपीज माइनस करें, 3000 माइनस 1500 आंसर आएगा 1500। और सर इसका रेट कैसे निकालने का मैं लिख देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल में आपके लिए कि ये कैसे निकालेंगे आप। 100 माइनस 50 करेंगे कैसे आएगा, 100 माइनस 50 करेंगे ठीक है ना। और ये 3000 ये कैसा है आपको सर, 3000 में से 1500 माइनस करेंगे, 3000 माइनस 1500 तो आपको 1500 आएगा। तो सर इसका रेट कैसे निकालेंगे, आपने इसको इससे डिवाइड करने का 1500 को 50, दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया, तो रुपीज को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो 1500 डिवाइड 50 करोगे तो आंसर आएगा 30। फिर से बोलता हूँ कैसा है, रेट में से लिख देता हूँ ये कैसा निकालने का, इसको इससे डिवाइड करने का 1500 डिवाइड 50 करो तो आंसर 30 आएगा। डिवाइड करने का लिख दो साइड में छोटा सा, 1500 डिवाइड बाय 50 करने का ठीक है ना, आपको आंसर आएगा 30। ये एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको वर्किंग बता रहा हूं कैसे करते हैं उसको ठीक है ना, बेटे तक इसी तरीके से करते ठीक है। तो ध्यान देना जैसे ही होगा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट 200 यूनिट परचेज किया, क्या बॉस है 40 का बॉस है, तो 4 2 8 आंसर 8000 डैश डैश डैश। आप कोई पूछेगा आपके पास बैलेंस कितना बचा है, तो जब आप वेटेज मेथड करेंगे रिसिप्ट रहेगा तो सब ऐड करेंगे, इश्यू रहेगा तो सब लेस करेंगे। तो आज आप पहले से 50 और अभी का 200 कितना हुआ 250, मैंने क्या बोला 25 का ऐड करेंगे, इश्यू में आप लेस करेंगे, ऐसी क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करें रुपीज में रुपीज प्लस करें, तो 1500 पहले का और इसका 8000 तो आंसर आएगा 9500। और अभी रेट निकालने का तो क्या करेंगे, 9500 को 250 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 38। देखो समझा कि नहीं, 38 कैसे समझा, इसको इससे डिवाइड करने का तो ये आंसर आएगा 38। क्लियर नेक्स्ट जैसी हो गया एक लाइन ड्रॉ करें, जैसी हो गया एक लाइन ड्रॉ करें, ये एग्जाम में सब नहीं बनाना प्लीज रिक्वेस्ट, ये तो आपको बताने के लिए मैं समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे समझे कि वेटेज सॉल्व करते कैसे। आगे बढ़ते फर्स्ट फाइव हो गया, अगला है 15th फाइव 2018 को कितना इशू किया 100 इशू किया हाँ, तो 100 250 में से 100 दे सकते हैं, तो 100 रेट लेंगे 38 आंसर 3800। अब बैलेंस कितना बचा, तो 250 में 100 हो गया तो आंसर बचा 115, रुपीज में से रुपीज माइनस करेंगे तो 9500 माइनस 3800 आंसर आता है 5700। सर इसका रेट कैसे निकालेंगे, हमेशा की तरह वही स्टाइल में रहने का लाइफ में आते हैं डिवाइड करने का, तो 5700 डिवाइड बाय 150 आंसर आता है 38 ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15th फेब हो गया, 20 फेब को फिर से इशू किया, फिर से इशू किया 100 यूनिट्स, तो 20 फेब 2018 को इशू किया डैश 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 कितना 100 यूनिट इशू किया था, रेट क्या लेंगे 38 लेंगे आंसर 3800। व्हाट इज द बैलेंस, तो 150 में 100 निकाल दो तो आंसर बचा 15, 150 माइनस 100 आंसर 15, 5700 माइनस 3800 आंसर आएगा 1900। मैं बार बार बोल रहा हूं रेट कैसे निकालने का, इसको इससे डिवाइड करने का, तो 1900 डिवाइड बाय 50 आंसर आएगा 38 हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो गया, अब आते हैं फर्स्ट मार्च, तो फर्स्ट मार्च 2018 को क्या किया आपने, परचेस किया 150 यूनिट्स परचेस किया, क्या रेट से परचेस किया 50, तो 55 75 7500 डैश 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 परचेस ऐड कर देगा, तो पहले से 50 और अभी का 150 और एवरेज कितना हुआ 200,
रुपीस में रुपीस ऐड करने का, तो 1900 प्लस 7500 आंसर आएगा 9400। अब आप इसको इससे डिवाइड करें हमेशा की तरह, 9400 डिवाइड बाय 200 आंसर आएगा 47। समझ में आ रहा है 47 कैसे निकाले, डिवाइड करने का। आप बस याद रखो रुपीस को हमेशा ऊपर लिखने का और क्वांटिटी को नीचे, तो रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी 47। एक हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लास्ट ट्रांजेक्शन 15th मार्च 2018 को क्या हुआ, इश्यू किया ओके, तो 100 पीस इश्यू किया, 100 200 में 100 गया, क्या रेट लेंगे 47, तो 4700। अब कोई पूछे ना व्हाट इज द बैलेंस, तो 200 में से 100 गया तो बचा 100, और 9400 माइनस 4700 आंसर आता है 4700। सर इसका रेट कैसे निकालेंगे, ये इस टाइप 47, ठीक है, ये देखो मैच हुआ आंसर। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व के दिखाया आपको, तो फीफो मेथड, लिफो मेथड, मेटेरियल मेथड, ऐसे में आपको लेक्चर समझा सर, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, थैंक यू।